गुड आफ्टरनून। आज आप दोबारा से एक बार फिर हाजिर हैं टोकन स्पोर्ट्स पे। तो आज बांग्लादेश और नदरलैंड का मैच हुआ है, तो उसके बारे में हम आपको डिटेल देना चाहते हैं। तो बांग्लादेश और नदरलैंड के मतलब मेलबर्न ग्राउंड में मैच हुआ है, तो स्टार्टिंग मतलब टॉस जीत के नदरलैंड ने बॉलिंग का फैसला किया है। तो बांग्लादेश की बैटिंग के हवाले से हम कुछ बात करना चाह रहे हैं। बांग्लादेश ने कुल टोटल जो स्कोर बनाया है 144 8 खिलाड़ी आउट और 20 ओवर में। तो बांग्लादेश ने वैसे आज इतनी खास बैटिंग नहीं की है, बांग्लादेश की मतलब खराब परफॉर्मेंस वो कंटिन्यूसली दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग में मतलब जिस तरीके से मुशफिकुर रहीम ने रिटायरमेंट का फैसला किया उसके बाद से बांग्लादेश की टीम थोड़ी कमजोर पड़ गई है। शाकिब उल हसन भी कुछ इतना खास नहीं कर पा रहे, क्योंकि मुशफिकुर रहीम और शाकिब उल हसन की पार्टनरशिप हमेशा हर कोई जाना जाता है कि यार ये दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जो बांग्लादेश को बहुत से मैच जितवा चुके हैं। तो हम बात करना चाहते हैं पहले मैच के बारे में बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के 144 पे 8 खिलाड़ी आउट हुए हैं 20 ओवर में। तो इनके जो ओपनर थे शंटू और सौम्या सरकार, तो इन्होंने कोई खास एफर्ट नहीं किया, 20 बॉल पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 25 रन बनाए और 4 चौके लगाए इन्होंने बस। उसके बाद आते हैं सौम्या सरकार, सौम्या सरकार ने भी कुछ खास नहीं खेला, 14 बॉल पे 14 रन बनाए, 2 चौके मारे बस। उसके बाद ये लोग दोनों खास टिक नहीं पाए। उसके बाद जब इनका एक खिलाड़ी गया, उसके बाद लिटन दास आया, लिटन दास ने भी कुछ आगे इतना खास एफर्ट नहीं दिखाया अपना, 11 बॉल पर 9 रन बनाए, तो इतने में उन्होंने कोई खास चौका भी नहीं लगाया। मतलब ये कि इन्होंने बहुत T20 को वनडे की सीरीज वनडे की तरह इन्होंने खेल लिया। फिर उसके बाद आते हैं शाकिब उल हसन, शाकिब उल हसन इनके मतलब बांग्लादेश के टीम के कैप्टन है, उन्होंने 9 बॉल पे 7 रन बनाए, तो इन्होंने भी कुछ खास नहीं खेला वैसे। उसके बाद इनके आते हैं माने जाने वाले आफिस हुसैन, उन्होंने हार्ड हिटर कहलाते हैं, इन्होंने भी मतलब खास एफर्ट किया है लेकिन इन्होंने भी इतना कोई खास नहीं खेला, 27 बॉल पे 38 रन बनाए इन्होंने। उसके बाद आते हैं यासिर अली, यासिर अली इनके ऑलराउंडर माने जाते हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उन्होंने 5 बॉल पे 3 रन बनाए। उसके बाद आते हैं नूरुल हसन, विकेट कीपर हैं इनके, उन्होंने 18 बॉल पे 13 रन बनाए। उसके बाद आते हैं मुसद्दिक हुसैन, उन्होंने 12 बॉल पे 20 रन बनाए, 1 चक्का और 2 चौका लगाए इन्होंने। इन्होंने मतलब आखिरी में आके बहुत अच्छा इन्होंने रन स्कोर बढ़ाया है। उसके बाद तस्कीन अहमद और हसन महमूद दोनों 0-0 पे आउट हो गए। इस तरीके से बांग्लादेश की इनिंग हो गई थी समाप्त। तो इन्होंने 144 पे 8 खिलाड़ी आउट 20 ओवर में। तो बांग्लादेश नदरलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है, सिर्फ एक बॉलर है नदरलैंड के क्लासन के नाम से, 4 ओवर में 33 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया है। बाकी मैक्रेन और लीड ने 4 ओवर में 21 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया है और लीड ने 3 ओवर में 29 रन देके 2 खिलाड़ी को आउट किया है। फिर जब नदरलैंड की बैटिंग स्टार्ट होती है तो नदरलैंड में आते ही तस्कीन अहमद की इतने पावरफुल बॉलिंग ने दोनों को दूसरी दो मतलब बाय बाय उनको घर भेज दिया, मतलब इनको पवेलियन के पास भेज दिया, तो दोनों 0-0 पे आउट हो गए। फिर उनके पास इनके कोई खास बैट्समैन नहीं रहे, लेकिन फिर भी एक इनके बैट्समैन है एकरमैन के नाम से, 48 बॉल पर उन्होंने 62 रन बनाए, 48 बॉल पर 62 रन, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से। बाकी इनका देखा जाए मिडिल ऑर्डर भी बिल्कुल तबाह हो गया, मतलब खेल नहीं पाया मिडिल ऑर्डर भी। एक था एडवर्ड, इनका कैप्टन और विकेट कीपर दोनों हैं, उन्होंने 24 बॉल पर 16 रन बनाया, उन्होंने बस थोड़ा सा एफर्ट दिखा दिया अपना। उसके बाद इनकी लाइन लग गई बॉलिंग मतलब बैटिंग की, कोई भी टिक नहीं सका। फिर आखिरी में एक बॉलर इनके बचते हैं, मतलब बॉलिंग कराते हैं वो, उन्होंने थोड़ा मजम्मत की, उन्होंने मतलब थोड़ा कोशिश की जीतने की कि मैं जिता सकूं अपनी टीम को। मैक्रेन के नाम से इनके बॉलर हैं, उन्होंने आज अपने एक तरीके से ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने 1 विकेट 1 छक्का 3 चौकों की मदद से 14 बॉल पर 24 रन बनाए। तो इसी के साथ तस्कीन अहमद ने 4 ओवर में 25 रन देके 4 खिलाड़ी को आउट किया और हसन महमूद ने 4 ओवर में 1 मेडिन भी दिया भाई, 15 रन और 2 खिलाड़ी को आउट किया। शाकिब उल हसन ने 4 ओवर में 32 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया और मुस्तफिजुर रहमान ने 4 ओवर में 20 रन दिए और सौम्या सरकार ने 3 ओवर में 29 रन देके 1 खिलाड़ी को आउट किया। इस तरीके से बांग्लादेश 9 रन से ये मैच जीत गई है, बहुत अच्छी बात है बांग्लादेश के लिए, पहला विन है, क्योंकि उन्होंने बहुत अभी ट्रायंगुलर सीरीज भी खेली है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ, तो उसमें ये लोग ने इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और ये लोग चारों के चारों मैच हार गए। तो इसी के साथ इनके पहले ही शुरुआत अच्छी रही बांग्लादेश की नदरलैंड के साथ। तो अगला मैच है श्रीलंका नहीं है, अगला मैच है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का। तो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के मैच में देखा जाए कि अभी बारिश हो गई है फिलहाल, तो ठीक है अभी वो मैच अभी बंद हुआ है, मतलब ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है।
तो जैसे ही इनका मतलब मैच स्टार्ट होता है तो हम आपके पास फिर हाजिर होंगे, फिर आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।